बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। फर्स्ट ऑफ ऑल रिसाइट दुआ विद मी, रब्बी जिदनी इल्मा। ए अल्लाह मेरे इल्म में इजाफा फरमा। ओ माय अल्लाह इंक्रीज मी इन नॉलेज। डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन एंड स्टेइंग सेफ एट योर होम्स। एज यू ऑलरेडी नो कि हम क्या कर रहे हैं, पीटीबी 9 की बुक क्लास 8 में पढ़ रहे हैं। इज दैट सो? सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 9 ऑफ पीटीबी 9। Its name is Introduction to Coordinate Geometry. Its name is Introduction to Coordinate Geometry. As you already know and familiar with the word geometry, geometry comes from the two Greek words geo and metry. Metry ka matlab measurement hai, aur geo means earth. Geo means earth and metry is measurement. So measurement of the earth is known as geometry. Coordinate geometry जो है उसका मतलब ये है कि आपको geometrical shapes के points दे दिए जाएंगे और उन points के साथ आपने सारी dealing करनी है, चाहे वो distance formula को find out करना हो, चाहे वो collinear points हो या midpoint का formula आपने लगा के midpoint find out करना हो। So today inshallah we will done with the coordinate geometry with complete introduction. So coordinate geometry means the study of geometrical shapes in a plane is called plane geometry. Coordinate geometry is the study of geometrical shapes in the Cartesian plane or the coordinate plane. So this is the main definition of coordinate geometry. Thus it means that it is the study of geometrical shapes means स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, पैरेललोग्राम है, सर्कल है, स्फीयर है, ये सारी आपकी ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं। अगर हम प्लेन के अंदर इसकी स्टडी करते हैं, प्लेन के अंदर विद कोऑर्डिनेट्स, प्लेन क्या चीज़ होती है, प्लेन जैसे कि मैं ये कह दूं कि आपका ये रूम है, इस रूम में मैं खड़ी हुई हूँ, अब मेरी ज़मीन से एक हाइट है और मेरा जो है, अगर इस रूम को हम एक प्लेन कंसिडर करते हैं तो इसकी जो वॉल्स हैं उससे मेरा एक डिस्टेंस भी है, मींस आई हैव अ हाइट एंड अ डिस्टेंस फ्रॉम द वॉल्स एज वेल। सो प्लेन के अंदर मेरे जो पॉइंट्स हैं वो मेरे हाइट के अकॉर्डिंगली भी पॉइंट्स होंगे, ज़मीन से मेरा कितना फासला है और मेरा दीवार से कितना डिस्टेंस है उसके अकॉर्डिंगली मैं लोकेट होंगी। गॉट इट? सो एनी पॉइंट इन द प्लेन इज बींग लोकेटेड विद द हेल्प ऑफ इट्स x coordinates and y coordinates as well. So this means this is called coordinate plane. Coordinate means इसके कुछ points होते हैं जिसके accordingly हम किसी भी चीज़ को, किसी भी shape के corner को या किसी भी on the whole shape के central point को हम उस plane में locate कर सकते हैं, find out कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के SLOs हम देख लेते हैं कि आप आज एक्सरसाइज 9.1 करने चाह रहे हैं, उसके करने के बाद इंशाल्लाह यू विल बी एबल टू डिफाइन द कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री डिफाइन कर सकेंगे, डिफाइन कार्टेशियन प्लेन, कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो नोन कोऑर्डिनेट प्लेन, कार्टेशियन प्लेन इज आल्सो नोन एज कोऑर्डिनेट प्लेन। डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन द प्लेन बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। आज हम जो मेन टॉपिक है हमारा, हम पढ़ेंगे डिस्टेंस फार्मूला। ठीक है, कि अगर प्लेन के अंदर दो पॉइंट्स हैं, उन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला कितना है, वी विल टुडे इंशाल्लाह बी एबल टू फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन एनी प्लेन। मेन जो फोकस है अब आपका क्या है, प्लेन। ये प्लेन एक मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का एक प्लेन बना दिया है, मींस ये एक प्लेन था, ये प्लेन पेज था, इस पेज को मैंने एक प्लेन कंसिडर करते हुए इसको इंटरसेक्ट कर दिया है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को एट दिस पॉइंट, दिस नोन एज ओरिजिन। और इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से आपका ये कोऑर्डिनेट प्लेन जो है वो चार डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया है। दीज आर नोन एज क्वाड्रेंट्स, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये आपके पास क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट मतलब चौथाई। ये आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट है, दिस इज सेकंड क्वाड्रेंट, दिस इज थर्ड क्वाड्रेंट एंड दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट। सो दीज आर फोर क्वाड्रेंट्स, ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से चार क्वाड्रेंट्स में डिवाइड हो गया। दिस इज नोन एज पॉजिटिव एक्सिस, यहाँ पे एक्स के जितने भी पॉइंट्स होंगे वो सब पॉजिटिव होंगे और दिस एक्स डैश मीन्स ऑल द पॉइंट्स विल बी नेगेटिव हियर। गॉट इट?
एक और बात याद रखनी है कि एक्स एक्सिस पे वाई का हर पॉइंट जीरो होता है। अगर यहाँ पे मैं आपसे कहूँ कि यहाँ पे वाई क्या है, यहाँ पे वाई जीरो है, यहाँ वाई जीरो है, यहाँ वाई जीरो है, यहाँ वाई जीरो है, यहाँ वाई जीरो, मीन्स एवरीवेयर ऑन एक्स एक्सिस वाई कोऑर्डिनेट इज ऑलवेज जीरो। वाई का पॉइंट हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। सिमिलरली दिस वाई एक्सिस, ये जो स्टैंडिंग है, ये जो हाइट है, दिस इज नोन एज वाई एक्सिस। यहाँ पे सारी वाई की पॉजिटिव वैल्यूज होती हैं और यहाँ पे वाई की सारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। जैसे एक्स की पॉजिटिव वैल्यूज राइट हैंड साइड पे और लेफ्ट हैंड साइड पे हमारी नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। सो ऑन वाई एक्सिस, ये वाई एक्सिस के डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, क्योंकि आपको पता है कि एक जो लाइन है वो डिफरेंट पॉइंट्स से मिलके बनती है। तो जितने भी पॉइंट्स यहाँ पे वाई के होंगे, यहाँ पे वाई तो एग्जिस्ट करता है लेकिन एक्स यहाँ पे क्या होगा, जीरो होगा। सिमिलरली एक्स एक्सिस, पूरी एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है, जीरो होता है। अब बेटा मैं ये कहती हूँ कि मेरे पास ये एक पॉइंट है पी, पॉइंट का क्या नाम रख दिया है, पी। अब इस पी का जो है, इस पी पॉइंट का जो आपके पास फासला है एक्स एक्सिस से, वो है सपोज एक्स वन या एक्स कह लें। ये जो डिस्टेंस है आपका एक्स एक्सिस से, इस पॉइंट का जो हाइट है एक्स एक्सिस से, सपोज ये आपके पास है एक्स, और इसका जो डिस्टेंस है वाई एक्सिस से, सपोज दिस डिस्टेंस इज वाई। तो ये जो पॉइंट पी है, इसके जो कोऑर्डिनेट्स बनेंगे, पहले आपने लिखना होता है एक्स कोऑर्डिनेट कॉमा वाई कोऑर्डिनेट, और आपने इसको स्मॉल ब्रैकेट, जिसको पैरेंथेसिस भी कहते हैं, इस पैरेंथेसिस के साथ आपने इनक्लोज कर देना है। ठीक है, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज वाई कोऑर्डिनेट। अब आपने ये याद रखना है कि ये एक्स कोऑर्डिनेट क्या शो कर रहा होता है, एक्स कोऑर्डिनेट हमें क्या बता रहा है। एक्स कोऑर्डिनेट बताता है हमें उस पॉइंट का एक्स एक्सिस से फासला, और वाई कोऑर्डिनेट हमें बताता है उस पॉइंट पी का वाई एक्सिस से डिस्टेंस। Got it? अच्छा बेटा, अब आपने एक चीज जो हमेशा याद रखनी है कि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होता, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव। डिस्टेंस हमेशा एक पॉजिटिव नंबर होता है, पॉजिटिव मींस इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो। जो भी डिस्टेंस का आंसर निकलेगा वो हमेशा ग्रेटर देन जीरो निकलेगा। अब हम ये देखते हैं कि डिस्टेंस फार्मूला होता क्या है और ये किन दो पॉइंट्स के दरमियान हमें डिस्टेंस देता है। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास है ये कोऑर्डिनेट प्लेन, ठीक है, और यहाँ पे है मेरा एक पॉइंट पी और यहाँ पे एक मेरा पॉइंट Q। आपने इस कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर P और Q का डिस्टेंस फाइंड आउट करना है कि इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस कितना है। सपोज X के, P के कोऑर्डिनेट्स हैं X1 Y1 और Q के कोऑर्डिनेट्स हैं X2 Y2। तो इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस होगा, इन दोनों के दरमियान जो फासला होगा, वो आपने फाइंड आउट करना है थ्रू, कैसे फाइंड आउट करना है, थ्रू फार्मूला, दिस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। इस रूट के अंडर आपके पास क्या आएगा, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस उसका स्क्वायर प्लस y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस और उसका स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फार्मूला, x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर होल अंडर द रूट। दिस d ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, दिस d stands for distance between two points P x1 y1 and Q, जो दूसरा point था उसके coordinates हैं x2 y2। तो इन दो points के दरमियान जो distance है वो क्या show कर रहा है, ये D show कर रहा है। उसका formula है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ना अब आते हैं एक्सरसाइज 9.1 पे। 9.1 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पेयर ऑफ पॉइंट्स। ये दो पॉइंट्स आपको दे दिए गए हैं ए एंड बी, आप इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान फासला फाइंड आउट करना है। अब ये दो पॉइंट्स, पहले तो ये देखें कि ये कहाँ होंगे, ये एक प्लेन के अंदर होंगे, ठीक है। इस प्लेन में ए पॉइंट जो है वो सपोज यहाँ पे कहीं है और बी पॉइंट जो है वो यहाँ पे कहीं है। ए के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हैं 9 and 2 and B coordinates are 7 and 2. You have to find the distance between these two points A and B. Got it? You have to find the distance between these two points. As we know, the formula is, formula क्या कहता है हमें, formula कहता है x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under the root. This shows the distance between two points A and B. अब यहाँ पे x1 y1 क्या है, 9 and 2, और x2 y2 क्या है,
7 and 2. Now we will replace the values of x2 minus x1. x2 kya tha? 7. और x1 क्या है? 9. 7 minus 9 whole square plus y2 minus y1. So y2 is this, y1 is this. So 2 minus 2 whole square. As 7 minus 9 whole square means 7 में से 9 subtract करें तो we are having minus 2 whole square plus 2 minus 2 difference of the same numbers is 0. So 0 square. Minus का square जब हम खोलते हैं तो हमेशा क्या आता है? Positive 4 plus 0 square is always 0. 0 की कोई भी power हो answer हमेशा 0 ही आता है. अच्छा जी, 0 में 4 को add करेंगे तो 4 और 4 का root क्या आ जाता है? 2. Means इन दोनों points के दरमियान distance कितना आ गया? 2. A और B जो points थे उनके दरमियान ये जो distance है ये कितना आ गया? 2. जी बेटा, अब आपने मैंने आपको ये पार्ट ए करवा दिया है. नाउ यू हैव टू डू ऑल द रेस्ट ऑफ द पार्ट्स बाय योरसेल्फ्स. गॉट इट? x1 y1 जो है वो ए के पॉइंट्स होंगे, x2 y2 जो है वो बी के पॉइंट्स होंगे, एंड यू कैन इजीली डू दीज पार्ट्स बाय पुटिंग दीज वैल्यूज इन द डिस्टेंस फॉर्मूला. गॉट इट? नाउ रीड क्वेश्चन नंबर 2 केयरफुली. अब क्वेश्चन नंबर 2 बहुत ध्यान से आप पढ़ें, आपको खुद ही क्लियर हो जाएगा कि आपने क्या करना है. दिस इज वेरी वेरी इजी एंड इंटरेस्टिंग चैप्टर. क्वेश्चन नंबर 2 इज लेट पी बी द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस विद एक्स कोऑर्डिनेट ए. पी जो है वो एक पॉइंट है जो कि एक्स एक्सिस पे है और उसका जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो ए है. एंड क्यू बी द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस एंड इट्स वाई कोऑर्डिनेट इज बी. गॉट इट? Q y एक्सिस पे कोई पॉइंट है और y एक्सिस का कोऑर्डिनेट क्या है? B है उसका, Q पॉइंट का. फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q. पहला पार्ट है A इज इक्वल टू 9 एंड B इज इक्वल टू 7. A इज इक्वल टू 9 मीन्स x एक्सिस पे जो उसका पॉइंट है वो 9 है और y एक्सिस पे जो उसका पॉइंट है वो 7 है. आपको पता है कि हमें हमेशा क्या करना होता है, हमें दो पॉइंट्स चाहिए होते हैं x और y. P के भी दो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं और Q के भी दो कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड हैं, लेकिन यहाँ पे तो एक एक दिया हुआ है. अब ये देखें कि कोई और इन्फॉर्मेशन गिवन है आपको. आप इस चीज़ को देखें. अब आपको जो चीज़ गिवन थी मैंने उसकी एक पिक्चर ड्रॉ कर ली है. एक प्लेन बनाया, एक्स एक्सिस, एक्स डैश एक्सिस, वाई एक्सिस एंड वाई डैश एक्सिस. ये आपका ओरिजिन है जो हमेशा 0-0 कोऑर्डिनेट होते हैं. ये जो मिड पॉइंट है ये वाला, दिस इज कॉल्ड ओरिजिन. ये हमेशा इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं? 0-0 मींस इसका एक्स से भी फासला 0 है, इसका वाई से भी फासला 0, बिकॉज इट इज द इंटरसेक्टिंग पॉइंट. अब वो कहते हैं कि पी एक ऐसा पॉइंट है जो एक्स एक्सिस के ऊपर लाई करता है. ये मैंने पी देख लिया. अब वो कहते हैं कि इस पी का जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ है इन्होंने, मींस जो एक्स एक्सिस से फासला है इसका वो क्या है? ए है. हमें पता है कि एक्स एक्सिस के ऊपर वाई क्या होता है? 0. तो इसका मतलब है कि इसका वाई कोऑर्डिनेट क्या है? 0 है. गॉट इट? सिमिलरली उन्होंने कहा है कि क्यू इज द पॉइंट ऑन वाई एक्सिस. क्यू वाई एक्सिस का पॉइंट है तो वाई कोऑर्डिनेट इन्होंने हमें दे दिया है बी. हमें पता है कि y एक्सिस पे x हमेशा क्या होता है? 0 होता है. y एक्सिस पे x 0 हो गया और y का कोऑर्डिनेट दे दिया. x एक्सिस पे p का कोऑर्डिनेट x दे दिया और y उसकी जगह क्या हो गया? 0. अब हमारे दोनों दोनों कोऑर्डिनेट्स पूरे हो गए. अब हम डिस्टेंस फार्मूला के अंदर इसको डाल सकते हैं. हमें पता है कि यहाँ पे p के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो a 0 और b के कोऑर्डिनेट्स हैं 0 और b. तो 0 यहाँ पे हमें उन्होंने दिया हुआ है कि ए की जगह आपने डालना है 9 और बी की जगह रिप्लेस करना है 7 को. सो ए 0 था ये वाला पॉइंट. ए 0 मतलब 9-0 एंड 0 बी मतलब 0 एंड बी की वैल्यू क्या है? 7. अब दोनों कोऑर्डिनेट्स आ चुके हुए हैं. हमें पता है कि डिस्टेंस फार्मूला एक्स वन वाई वन और क्यू के कोऑर्डिनेट्स अगर एक्स टू वाई टू हों तो डिस्टेंस फार्मूला हमारा बनता है x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर. तो ये हमारा डिस्टेंस फार्मूला बन जाता है. ठीक है, डिस्टेंस फार्मूला अगर ये हमारे पास दो पॉइंट्स हो, x1 y1 एंड q पॉइंट्स x2 y2. अब आप यहाँ पे इसको x1 y1 लेंगे और इस पॉइंट को x2 y2 लेंगे और इस फार्मूला में रिप्लेस कर देंगे. x2 माइनस x1 होल स्क्वायर मीन्स 0 माइनस 9 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर 7 माइनस 0 होल स्क्वायर. 0 में से 9 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यू आर हैविंग माइनस 9 प्लस 7 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें यू आर हैविंग प्लस 7
-9 का स्क्वायर क्या हो गया +81 और 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49। इन दोनों को ऐड करेंगे तो यू विल बी हैविंग 130 अंडर द रूट। 130 अंडर द रूट इज द आंसर ऑफ डिस्टेंस 7। डिस्टेंस डी इज रूट ऑफ 130 अंडर द रूट। जी नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 5 कर लेते हैं। ए दे दिया है रूट ऑफ 2 एंड बी इज गिवन टू बी 1। ए है रूट ऑफ 2 एंड बी इज 1। ए एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट है, वहां पे वाई 0 हो गया, वाई का कोऑर्डिनेट 0 हो गया, और क्यू जो है वो वाई एक्सिस का पॉइंट है, वहां पे एक्स 0 हो गया और वाई की हाइट उन्होंने आपको क्या दे दी है 1। बी जो है वो क्यू का पॉइंट है जो कि वाई एक्सिस पे लाया करता है, यहां पे एक्स 0 होगा। यहां पे ए एक्स एक्सिस का पॉइंट है जहां पे वाई 0 होगा। ये दो पॉइंट्स हमने बना लिए, ये है एक्स वन वाई वन और ये है आपके पास एक्स टू वाई टू। डिस्टेंस फार्मूला हमें याद है, एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। एक्स टू माइनस एक्स वन, ये आपके पास जो पॉइंट्स बने हैं ये बने हैं रूट ऑफ टू और वाई एक्सिस 0। बी जो है वो वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट है और यहाँ पे क्या है एक्स 0 है। तो ये है आपके पास एक्स वन वाई वन एंड दिस इज एक्स टू वाई टू। सो रिप्लेस द वैल्यूज ऑफ एक्स टू माइनस एक्स वन होल स्क्वायर प्लस वाई टू माइनस वाई वन होल स्क्वायर। ये आपने रिप्लेस कर दी है, 0 माइनस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 0 होल स्क्वायर। 0 में से रूट ऑफ 2 माइनस करें तो माइनस रूट ऑफ 2 होल स्क्वायर प्लस 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट करें तो 1 होल स्क्वायर। माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव होता है और रूट और 2 कट जाते हैं क्योंकि रूट की जो वैल्यू होती है वो 1 बाई 2 है और ऊपर उसका स्क्वायर है तो रूट और स्क्वायर कट हो जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 1 माइनस 0 इज 1, 1 का स्क्वायर हमेशा 1 ही होता है, 2 प्लस 1 इज 3। सो अंडर द रूट 3 इज द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स पी एंड क्यू। पी और क्यू के दरमियान जो डिस्टेंस है वो क्या आ गया रूट ऑफ 3, जिसमें पी का जो कोऑर्डिनेट है वो एक्स एक्सिस का कोऑर्डिनेट हमें दे दिया गया था और हमने वाई 0 लिखा वहां पे, अंडरस्टूड है कि एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा। और क्यू का पॉइंट हमें वाई पॉइंट दे दिया गया था और वहां पे हमें पता था कि एक्स हमेशा 0 होगा। इन दो पॉइंट्स की हेल्प से हमने इन दोनों के दरमियान फासला फाइंड आउट कर लिया है। स्टूडेंट्स अब आपने क्या करना है कि ये एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स मैंने आपको करवाए हैं 1 एंड 5। रेस्ट ऑफ द पार्ट्स आर ऑन योर होमवर्क पार्ट एंड सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 1 के रिमेनिंग पार्ट्स यू विल अटेम्प्ट दीज पार्ट्स बाय योरसेल्फ्स। गॉट इट? सो होप यू विल बी अंडरस्टूड टुडेज लेक्चर। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ्स। अल्लाह हाफिज़।